झारखंड के पलामू में शिव रात्रि के तोरण द्वार को लेकर हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। पुलिस प्रशासन हर एहतियात बरत रहा है। पलामू की हिंसा को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। महाशिवरात्रि के लिए पलामू के पाकी इलाके में मस्जिद के बाहर तोरण द्वार बनाने को लेकर हिंसा हुई और पत्थर चले। पूरे हंगामे और बवाल में कई लोग जख्मी हुए। अब हिंसा तो थम गई है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिए गए। अभी स्थिति बहुत सामान्य है, सभी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। रात भर हम लोगों ने गश्ती की है। पुलिस प्रशासन चारों बगल पूरे पांकी क्षेत्र में जिस प्रकार से 144 धारा लगी है उसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और अभी नियंत्रण में है चीजें। किसी प्रकार की कोई मूवमेंट पीछे नहीं है। उधर पलामू में हुई हिंसा को लेकर सियासत तेज है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी है और पलामू हिंसा के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने झारखंड की सोरेन सरकार को भी इस हिंसा के लिए कसूरवार ठहराया। ये तो संघ परिवार की बहुत बड़ी साजिश थी, वो कामयाब हो गए और वहां की सरकार नाकाम हो गई। उनको तो चाहिए था कि आपकी ये सब चीजें हो रही हैं, तो सरासर इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के लोकल रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है, GMM के ऊपर, जो नाकाम साबित हुई है। ये इस वायलेंस को इमीडिएटली सरकार को रोकना चाहिए। इस वायलेंस के ऊपर जो भी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत साथ तैयारी के साथ किया है उनको पकड़ना चाहिए। और ये नाकामी है सरकार की और कामयाबी है उन दंगाइयों की। ये तो संघ परिवार का पूरा कॉन्स्पिरेसी है जो कामयाब हो गए उसमें। दूसरी ओर BJP के स्थानीय विधायक ने आरोप लगाया कि मस्जिद में पहले से ही ईंट और पत्थर इकट्ठा किए गए थे। इसे साजिश करार देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईंटा और पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से और ये मस्जिद से के ऊपर है सो पत्थर आया कैसे? जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल है सो ये कुछ लोग है अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए। पलामू में जो हुआ उसने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद के बाहर तोरण द्वार को लेकर हिंसा भड़की? पलामू से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।